तो देखिए सेंगोल को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को महाराजाओं का प्रतीक बताते हुए संसद परिसर में सेंगोल की जगह संविधान को स्थापित करने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। वहीं संविधान को लेकर जारी रन पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से सेंगोल को लेकर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। सेंगोल, संविधान और सियासत। जी हां, सेंगोल को लेकर एक बार फिर नए विवाद ने दस्तक दे दी है। नए संसद परिसर में सेंगोल की जगह संविधान के प्रति लगाए जाने की लोकसभा स्पीकर से मांग की गई है। मांग की है समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद आर के चौधरी ने। सेंगोल को राजा महाराजाओं का प्रतीक बताते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि लोकसभा में सेंगोल की जगह संविधान की आदमकद प्रति स्थापित की जाए। क्या कहा समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने, जरा वो सुन लीजिए। राजा की छड़ी और माने हैं राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के सांसद की सेंगोल की जगह संसद में इस संविधान को स्थापित करने की मांग दरअसल उसी लड़ाई का हिस्सा है जिसे विपक्ष आगे बढ़ा रहा है। याद कीजिए, बस दो दिन पहले की बात है, जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे तो इंडी गठबंधन के सांसद संविधान के प्रति हाथों में लिए प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं, जब नेता विपक्ष राहुल अखिलेश ने शपथ ली तो भी उनके हाथों में संविधान था। संविधान की रक्षा के नाम पर, संविधान की गरिमा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। दरअसल 24 का चुनाव भी विपक्ष ने संविधान बचाने के नाम पर ही लड़ा और पीएम मोदी के 400 पार के नारे को संविधान बदलने की कवायद के साथ जोड़कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। विपक्ष का ये दांव 24 के चुनाव में काम कर गया और विपक्ष के नेता अब संविधान को लेकर नई सियासत की शुरुआत करना चाहते हैं। अब नए संसद से सेंगोल को हटाकर संविधान के प्रति स्थापित करने की मांग उसी सियासत का हिस्सा है। जरा याद कीजिए वो दिन जब सेंगोल के सामने पीएम मोदी नतमस्तक हुए थे। सेंगोल की विधिवत पूजा की गई थी और पंडितों आचार्यों की मौजूदगी में सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया था। उस वक्त भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सेंगोल के प्रति सम्मान पर तंज किया था, दंडवत प्रणाम पर सवाल उठाए थे और अब इंडी के सांसद की ये मांग इशारा कर रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई को सेंगोल से जोड़कर कहानी में नए ट्विस्ट की तैयारी है। दरअसल संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ सेंगोल को नए भवन में स्थापित किया गया था। संसद के नए भवन के उद्घाटन का भी विपक्ष ने उस वक्त विरोध किया था और ये कहते हुए बहिष्कार किया था कि इसमें महामहिम राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया गया है। संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना के पीछे खास वजह थी। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। सेंगोल यानी वो राजदंड जो न्याय शासन का प्रतीक है। सेंगोल चोल साम्राज्य से ताल्लुक रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। पंडित नेहरू को 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों से सेंगोल मिला। अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसे स्वीकार किया गया था। बाद में सेंगोल को एक म्यूजियम में रख दिया गया। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु के अधिनम मठ से सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया।
जाहिर है संसद में सिंगोल को स्थापित करने के पीछे न्याय शासन के विरासत की स्थापना का भी भावबोध है, लेकिन विपक्ष को संसद में सिंगोल रास नहीं आ रहा और वो मुद्दों की तलाश में है। अब देखिए ना, अब कल ही जब नए लोकसभा स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र कर संसद में दो मिनट के मौन की बात की तो विपक्ष को संविधान की याद नहीं आई, लेकिन अब नए संसद में सिंगोल की जगह संविधान का मुद्दा उठाकर एक नए सियासी रण का श्री गणेश जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।